लाइट वाइट सही है ना, चेंज नहीं करनी ना। सो गाइस, फिर जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एएमडी ने अभी हाल ही में अपने नए 5000 सीरीज के जो प्रोसेसर्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है। एंड जब गाइस मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी ना, एंड आप लोगों ने भी देखी ही होगी रिव्यूज़ वगैरह में, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है उनके प्रीवियस वाले थर्ड जनरेशन और इवन इंटेल के प्रोसेसर्स के मुकाबले। बट गाइस अगर वहीं पे प्राइस की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इस बार आए हुए हैं। तो गाइस फिर मैं सोच रहा था कि जो एएमडी के उनके फर्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं उन पे अगर हम अभी के टाइम की काफ़ी हाई एंड गेम्स को प्ले करते हैं, जैसे कि साइबरपंक 2077 है, आपकी क्राइसिस रीमास्टर्ड है, फोर्टनाइट के अंदर जो रे ट्रेसिंग आई है, तो उन गेमों में क्या जो फर्स्ट जनरेशन का राइजन 5 1600 था वो अभी के टाइम पे भी आपको वही 5000 सीरीज जैसे जो प्रोसेसर्स हैं उनके मजे दे सकता है गेम के अंदर या फिर नहीं? तो गाइस फिर यही पता करने के लिए आज जो है मैं इसके साथ सिस्टम बिल्ड करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से पार्ट्स को यहाँ पे कंसिडर करा हुआ है और एंड में हमें जो है कैसी परफॉर्मेंस इस सिस्टम से जो है देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइस फिर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि मैं कौन कौन से इस बिल्ड में यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेसर के केस में हम यूज़ करेंगे एएमडी के फर्स्ट जनरेशन का राइजन 5 1600 जो कि आता है 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ। वहीं पे इसके साथ हम पेयर करने वाले हैं गीगाबाइट का B350 सीरीज का मदरबोर्ड। और गाइस रैम के केस में हम दो स्टिक्स यूज़ करेंगे 8 GB की 3000 MHz की फ्रिक्वेंसी के साथ, कॉर्सेयर की साइड में उनकी LPX सीरीज की। एंड वहीं पे गाइस अगर हम बात करते हैं लाइक ग्राफिक्स कार्ड की, तो मैं यूज करने वाला हूं अभी के टाइम पे मिड एंड सीरीज का एक काफी अच्छा जो है ग्राफिक्स कार्ड, गीगाबाइट का GTX 1660 सुपर, जो कि मेरे ख्याल काफी सही रहेगा पेयर करना इस राइजन 5 1600 के साथ। वहीं पे गाइस स्टोरेज के मामले में हम यूज करने वाले हैं जो है किंगस्टन की साइड में उनकी 120 GB की जो है SSD नॉर्मल वाली 2.5 इंच वेरियंट में, और एक 1 TB की जो है सेकेंडरी हार्ड ड्राइव हमारी गेम्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। यही पे गाइस अगर मैं बात करता हूँ पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई के केस में हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेयर की VS 650W, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है सिस्टम को पावर अप करने के लिए। अब वहीं पे गाइस कैबिनेट आप देख सकते हो, ये हमने अभी रिसेंटली रिव्यू करा था सिल्वर स्टोन की साइड में उनका फेरा R1 Pro, जिसमें आपको 4 ARGB फैंस मिलते हैं, तो इससे हमारा जो ओवरऑल बिल्ड होने वाला है वो काफ़ी आपको चमकता धमकता दिखेगा इन फैंस के साथ। तो चलिए गाइस फिर जो है पीसी को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या एएमडी का जो फर्स्ट जनरेशन का राइजन 5 1600 है वो अभी भी आपको जो है वर्थ जो है परफॉर्मेंस देता है अभी की AAA टाइटल्स वाली गेम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीसी को बिल्ड करना।
सो गाइस फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो पीसी बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है एंड जितने भी लाइक सिंथेटिक बेंचमार्क्स थे या गेम्स वगैरह के बेंचमार्क्स थे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अब फाइनली जो है बात आती है कंक्लूजन की कि क्या अभी के टाइम पे ये एएमडी के फर्स्ट जनरेशन का राइजन 5 1600 परचेज करना वर्थ रहेगा या नहीं, और साथ ही साथ क्या मैं इसे 1660 सुपर जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ लाइक पेयर करके एक पीसी बिल्ड करूं या फिर नहीं। तो गाइस जितने भी लाइक हमने सिंथेटिक बेंचमार्क्स रन करे और गेम्स बेंचमार्क रन करे उनसे तो लाइक गाइस मैं यही आउटपुट यहाँ पे निकाल पाया हूँ कि गेम्स के मामले में जितने भी हमने रन करे चाहे पबजी पीसी था, साइबरपंक थी, रेड डेड रिडेम्पशन थी, मोस्ट ऑफ द गेम्स में अल्ट्रा और हाई सेटिंग्स के अंदर हमें लाइक फुल एचडी में 60 FPS से ऊपर ही मिल रहे हैं। बट लाइक दो गेम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, साइबरपंक और रेड डेड रिडेम्पशन। अब यहाँ पे गाइस वो ऑब्वियसली बात भी है कि स्ट्रगल करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट गेम्स हैं और इनमें जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव है एंड इवन लाइक साइबरपंक को अल्ट्रा सेटिंग्स पे तो जो RTX 3090 ग्राफिक्स कार्ड है वो आप लोग भी जानते हो कि इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, तो ये तो बेचारा 1660 सुपर है। तो यहाँ पे गाइज उनमें भी लाइक साइबरपंक में 47 FPS के आसपास मिल रहे थे इस GPU के ऊपर, रेड डेड रिडेम्पशन में अराउंड काफी कम थे 26 FPS के आसपास। तो मैं कहूंगा काफी ठीक ठाक सी गेमिंग जो है आप इस सिस्टम पे भी कर सकते हो अभी के टाइम पे। एंड वहीं पे गाइस अगर हम एडिटिंग की बात करते हैं, क्योंकि गाइस ये एक 6 Core 12 Threads का प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इससे एडिटिंग भी एक्सपेक्ट करेंगे ही। तो यहाँ पे गाइस काफी सारे सिंथेटिक उसमें भी हमने रन करे, जैसे BMW ब्लेंडर था, गूसबेरी था और काफी सारे और भी थे, तो उनमें भी हमें डिसेंट सी परफॉर्मेंस मिल रही है। एंड वहीं पे अगर मैं रियल वर्ल्ड के सिनेरियो की बात करता हूँ तो हम जैसे अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं वो फुल एचडी 60 FPS पे होती हैं रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे भी हमने अपने प्रीमियर प्रो के अंदर 5 मिनट की अपनी फुटेज को डाला और हमने इस फुटेज को रेंडर करा 50,000 के बिटरेट पे, वही सेम 1080p 60 FPS के रेजोल्यूशन पे। तो वहां पे गाइस इस 5 मिनट की क्लिप को इस सिस्टम पे रेंडर होने में टाइम लग गया अराउंड 7 मिनट 47 सेकंड्स के आसपास। अब यहाँ पे गाइस हमने सिर्फ जो रेंडरिंग है वो सीपीयू पे करी है, जीपीयू पे नहीं करी है, ताकि हम ये देख सके सीपीयू कितना कैपेबल है, कितने टाइम में जो है इस वीडियो को जो है यहाँ पे रेंडर कर देता है। तो यहाँ पे 5 मिनट की वीडियो को रेंडर करने में लगे 7 मिनट 47 सेकंड, तो मेरे ख्याल वो बुरा नहीं है, काफी अच्छा ही है। वैसे नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1:1 का रेशियो हो, कि 5 मिनट की वीडियो अगर 5 मिनट में ही रेंडर हो जाती है उससे कम में तो काफी ज्यादा बेटर रहता है। बट फिर भी गाइज इतने 3 साल पुराने प्रोसेसर से आपको इतनी फिर भी मैं कहूंगा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है अभी के टाइम पे भी, तो ये अच्छा खासा रहेगा अभी के टाइम पे भी लाइक अगर आप सेकेंड हैंड परचेस कर रहे हो तो। तो गाइस फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ख्याल ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सी ही परफॉर्मेंस आपको इस सिस्टम से मिल जाती है। अभी के जो हमारे गेम्स हैं एंड एप्लीकेशंस हैं उसको भी ये रन करने के कैपेबल है। एंड ये जो होल सिस्टम है गाइस अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ कि कितने में अगर आप अभी बनाते हो तो बन जाएगा अराउंड लाइक आपको ये 1600 प्रोसेसर अब तो नहीं मिलेगा चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या आपको लाइक सेकेंड हैंड मार्केट में मिलेगा 8,000 रुपये के आसपास। और यहीं पे B350 मदरबोर्ड मैंने यूज़ करा है, बट मैं रिकमेंड करूंगा B450 मदरबोर्ड एटलीस्ट यहाँ पे यूज़ करो और उसी तक जो है AMD के फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर का सपोर्ट है। 550 में तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, 1600 को उन्होंने सपोर्ट बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं ये ऑल ऑफ दिस सम करता हूँ, 1660 सुपर, 16 गिग्स ऑफ रैम, 650 वॉट ऑफ पावर सप्लाई, ये सिल्वर स्टोन का फेरा R1 कैबिनेट, तो ये अराउंड हो जाता है गाइस 59,000 या राउंड ऑफ में कह लीजिए 60,000 रुपए के आसपास ये सिस्टम आप अभी के टाइम पे भी बिल्ड कर सकते हो और आपको ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे मिल जाती है। सो गाइस फिर मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हद तक जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जो ये पुराना प्रोसेसर है वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है या वर्थ करता है अभी के टाइम पे भी। बाकी गाइस जितने भी आइटम्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल करे हैं कंपोनेंट वाइज में वो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पीसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गाइस तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम करिए, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की। बाकी गाइस फिर मैं होप करता हूँ आपको जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है गाइस तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा और
और साथ ही साथ गाइज वो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और गाइज फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार।